हेलो स्टूडेंट, सीएमएस के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सीएमएस क्या होता है, किस किस तरह के प्रोजेक्ट सीएमएस में बनते हैं, किस किस तरह के कंटेंट सीएमएस में होते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो ये डूइंग द कंटेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और डिजाइनिंग अ सीएमएस। ये आपकी यूनिट वन के ही दो टॉपिक हैं, तो वन बाय वन इनको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक में क्या है। डूइंग द कंटेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। तो कंटेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो उसके अंदर क्या क्या फेज होते हैं, वो सारे फेज मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको। और ये जो फेजेज हैं वो कम भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एक आइडियल फेज में लेके चला हूँ जो किसी भी सीएमएस प्रोजेक्ट के अंदर हो सकते हैं। सबसे पहला फेज है डूइंग द सीएमएस प्रोजेक्ट सिंपली, वेरी इजी अप्रोच फॉर वेब डेवलपमेंट। किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए बहुत साधारण अप्रोच है। प्रोवाइड जीयूआई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विदाउट यूजिंग कोडिंग और प्रोग्रामिंग पार्ट, जिसके अंदर हम बिना किसी प्रोग्रामिंग को डायरेक्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। दूसरा फेज है स्टाफिंग यानी ग्रुपिंग करना किसी भी चीज की। तो यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेशन और कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब मल्टीपल अलग अलग चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी जिनको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा जब वेबसाइट बनानी है। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, टेक्निकल मैन पावर, मतलब जैसे जावा की प्रोग्रामिंग किसी को आती है तो वो जावा का प्रोग्रामर हो गया, पीएचपी प्रोग्रामर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टेक्निकल मैन पावर हो गया। डिजाइनर, अगर आप डिजाइन करते हो वेबसाइट के कंटेंट को तो डिजाइनर हो गया, वो सब क्या टेक्निकल मैन पावर है। तो ऐसे अलग अलग रिसोर्सेज की आवश्यकता हमें पड़ेगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टाफिंग अ सीएमएस। थर्ड पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेब डेवलपर आइडेंटिफाई द नीड ऑफ वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच वेबसाइट इज गोइंग टू बी डेवलपमेंट। इसके लिए आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो, उनकी क्या आवश्यकता है, वो क्यों वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डेवलपर सी वर्किंग स्टाइल, करंट प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन इन द एनालिसिस पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो डेवलपर क्या करेगा कि रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेगा और देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का करंट वर्किंग स्टाइल क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम उनके साथ आती है और उन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिर रखा है नेक्स्ट, गेटिंग रेडी फॉर द सीएमएस या गेटिंग रेडी ऑफ सीएमएस। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यूजर हैं वो नई वेबसाइट को या नए सीएमएस सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और वेबसाइट का जो एनवायरनमेंट है वो यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट लिखा है डूइंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस। तो इसका मतलब यह है कि वेबसाइट की करंट रिक्वायरमेंट या मेन रिक्वायरमेंट क्या, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब किस पर्पज से वेबसाइट बन रही है, बिजनेस के लिए बन रही है, मार्केटिंग के लिए बन रही है, एजुकेशन के लिए बन रही है, मेडिकल के लिए बन रही है, सबका पर्पस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपको पर्पस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने पर्पस प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है तो आपका सॉल्यूशन जो बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा। लेकिन आपने पर्पस या रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई सही नहीं करी है तो आपके सॉल्यूशन में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ये उसी तरह से है कि किसी मेडिकल मरीज के आप इलाज कराते हो तो कहां प्रॉब्लम है वो आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो उसका इलाज नहीं कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे भी होगी। डूइंग द लॉजिकल डिजाइन, जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग से पहले उसका फ्लो चार्ट बनाते हो, उसी तरह वेबसाइट बनाने से पहले हम उसकी क्या बनाएंगे, लॉजिकल डिजाइन बनाएंगे कि किस तरह से डेटा का फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर हम कुछ डेटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे, कुछ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे और कुछ यूजर इंटरफेस डायग्राम बनाएंगे। तो इन सब के बारे में आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। फिर रखा है सेलेक्टिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डूइंग कंटेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का ही पार्ट है ये भी। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हो, उसके लिए मिनिमम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या हो। जैसे पीएचपी अगर प्रोग्राम चलाना है तो उसके लिए क्या होता है, जैम्प और वैम्प सर्वर की आवश्यकता होती है। इसी तरह हार्डवेयर के अंदर मिनिमम हार्ड डिस्क कितनी चाहिए या मिनिमम रैम कितनी चाहिए, नेट की स्पीड कितनी चाहिए, ये सब क्या होगा, आपका बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर देखा है इम्प्लीमेंटेशन द सिस्टम या इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सिस्टम को बना लोगे तो उसको फाइनल इंप्लीमेंट करोगे, मतलब फाइनल कोड करोगे या फाइनल डेवलपमेंट की स्टेज पे आओगे। तो जब आपके पास सब चीजें तैयार होगी, लॉजिकल डिजाइन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसोर्सेज, तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट की एक्चुअल कोडिंग करोगे। अगर विदाउट कोडिंग भी कर रहे हो तो प्रोजेक्ट का एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे।
ये क्या होगा, आपका फाइनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट का। फिर देखा रोलिंग आउट द सिस्टम, जब आपके पास फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा तो फाइनल सॉल्यूशन डायरेक्ट मार्केट में आप नहीं लॉन्च कर सकते हो, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे कोई नई गाड़ी आती है तो डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं होती, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है कंपनी के अंदर। तो उसी तरह हमारी वेबसाइट की टेस्टिंग होगी कंपनी में, और उस टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम एरर फाइंड आउट होती है तो उसको रिमूव किया जाता है, और उसके बाद उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो इसके 9 फेज टोटल कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है डिजाइन अ सीएमएस। तो सीएमएस को डिजाइन करने के लिए वापस फर्स्ट फेज दे रखा है डिजाइनिंग अ सीएमएस सिंपली, डेवलप सिंपल लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ सीएमएस। मतलब आप सिंपल एक वेबसाइट का लेआउट स्ट्रक्चर बनाओगे, पेज है, पेज के अंदर क्या कंटेंट होगा, मल्टीपल पेजेस तो सभी पेज के कंटेंट आप तैयार करोगे। तो इट प्रोवाइड वर्किंग मॉडल ऑफ सीएमएस वेबसाइट। ये उसी तरह से जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो उसका मैप पहले आपने तैयार किया, एक्चुअल में बिल्डिंग आपने तैयार नहीं करी, तो उसको बोलते हैं डिजाइनिंग अ सीएमएस सिंपली। वर्किंग विथ मेटा डेटा, मेटा डेटा का मतलब है कि डेटा अबाउट डेटा, ये आप ऑलरेडी जानते हो, डेटाबेस आप सबने सेकंड ईयर में पढ़ा है। तो हम जब डेटाबेस बनाएंगे किसी भी वेबसाइट के अंदर तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन कौन सी टेबल बनेगी, टेबल के बीच में रिलेशनशिप कौन कौन सी होगी, तो ये सब चीज आपको बतानी पड़ेगी डिजाइनिंग के अंदर। यहाँ पे दे रखा है इट रिप्रेजेंट ऑल फाइल टेबल एंड देयर रिलेशनशिप इन अ डेटाबेस। फिर दे रखा है नेक्स्ट फेज कैटालॉगिंग ऑडियंस। कैटालॉग मतलब क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। तो कैटालॉग डॉक्यूमेंट डेवलप द टेक्निकल एंड जनरल स्पेसिफिकेशन। क्या मतलब हुआ कि किसी भी सॉफ्टवेयर का या वेबसाइट का एक डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करना होता है, जिसके अंदर किस टेक्नोलॉजी पे उस वेबसाइट ने काम किया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उस वेबसाइट को चलाने के लिए, या उसको किस तरह से यूज में लेगा यूजर। तो टेक्निकल और जनरल स्पेसिफिकेशन दोनों ही कैटलॉग के अंदर लिखा जाएगा या नोट किया जाएगा। दीर्घा स्पेसिफाई इंस्टॉलेशन गाइड सिस्टम वर्किंग, ये सब चीजें इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। फिर दे रखा है डिजाइनिंग पब्लिकेशन। तो एक वेबसाइट के अलग अलग क्या होंगे, वर्जन हो सकते हैं। मतलब एक वेबसाइट जो 2011 में अगर मैं मानता हूं एक अलग मोड में चलती थी, और 2020 में उसका मोड बिल्कुल चेंज हो गया। उस समय मोबाइल नहीं थे तो अपन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनाते थे, आज मोबाइल है तो वेबसाइट को आपको रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग वर्जन है वेबसाइट को, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पब्लिकेशन बोलते हैं। तो ये सिंगल वेबसाइट सिस्टम में कंटेन मेनी वर्जन, अकॉर्डिंग टू दिस वर्जन डिजाइनर क्रिएट पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन क्या कर रहा है कि ओल्ड वर्जन में आपने क्या काम किया था वो भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट होगा, और आप बीच के किसी वर्जन में क्या काम कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट होगा, और फाइनल वर्जन में क्या काम हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट रहेगा, ताकि जो फर्दर मॉडिफिकेशन आपको भविष्य में करने पड़े तो वो इजीली कर सको। फिर देखा है डिजाइनिंग कंटेंट टाइप्स। तो कंटेंट टाइप का मतलब ये है कि आप वेबसाइट के अंदर क्या क्या कंटेंट लोगे, लिस्टिंग करोगे, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे देखा है डिसाइड कंटेंट टाइप कैटेगरी डेटा साइज इन वेबसाइट, मतलब क्या कंटेंट टाइप होगा, नेम है, नेम किस टाइप का होगा, सिर्फ अल्फाबेटिक होगा या न्यूमरिक भी हो सकता है या अल्फा न्यूमरिक होगा, उसकी डेटा साइज क्या होगी यानी कितने कैरेक्टर का होगा, 10, 50, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर देखा अकाउंटिंग फॉर ऑथर्स। तो मेनी टाइप ऑफ यूजर्स अवेलेबल इन सीएमएस वेबसाइट, एक सीएमएस की वेबसाइट में बहुत सारे यूजर्स अवेलेबल होते हैं। एवरी टाइप ऑफ यूजर हैव स्पेसिफिक सेट ऑफ परमिशन फॉर वेबसाइट यूज, मतलब एक वेबसाइट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, एक लोकल यूजर भी होता है, एक विजिटर भी होता है, तो सबको अलग अलग काम करने की परमिशन मिली हुई है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है वो बहुत सारा काम कर सकता है या सारा काम उसके हाथ में होता है, लेकिन एक विजिटर है वो वेबसाइट को सिर्फ विजिट करके जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकता है। एक लोकल यूजर है, उसके पास एक अकाउंट बना हुआ है, वो वेबसाइट की कुछ फैसिलिटी को यूज ले सकता है, वेबसाइट के अंदर ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो जो अलग अलग यूजर है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑथर्स। तो ऑथर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब ऑथर्स को आप अलग अलग परमिशन दे रहे हो कौन सा यूजर क्या काम कर सकता है। और लास्ट में देखा है डिजाइनिंग टेम्पलेट। तो वेबसाइट की अलग अलग थीम बनाना, उसको बोलते हैं अपन थीम या फॉर्मेट बनाने को बोलते हैं डिजाइनिंग करना। तो इसके अंदर अपन टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, और ड्रुपल जो है उसके अंदर बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप थीम डेवलप करोगे। तो यहाँ पे अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप पे मेरे साथ। धन्यवाद।